नागमणि की चोरी। जंगल के एक गुफा में नागमणि थी, जिसकी रक्षा एक सांप करता था। जानवरों की मान्यता थी कि उस नागमणि की वजह से ही जंगल सुरक्षित है। सारे जानवर नागमणि को बहुत मानते थे, पर एक दिन अचानक से नागमणि गुफा से गायब हो जाती है। सांप नागमणि को न पाकर चिंतित हो जाता है। वो तुरंत जंगल के राजा शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज अनर्थ हो गया, किसी ने मेरी नागमणि चुरा ली है, अब क्या होगा महाराज? क्या कहा, नागमणि की चोरी? तुम कहाँ थे सांप उस वक्त, और तुमने ये सब कुछ होने कैसे दिया? महाराज मैं बस कुछ पलों के लिए गुफा से बाहर निकला था। बिना नागमणि के मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और 7 दिनों के अंदर अगर नागमणि नहीं मिली तो महादेव का कोप होगा हम पर। शांत हो जाओ साहब, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। शेर सारे जानवरों की सभा बुलाता है और कहता है, अगर किसी ने नागमणि चुराने की भूल की है तो उसे अभी के अभी सुधार दो, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब बंदर सामने आकर कहता है, महाराज ये कैसी बात कर रहे हो आप? हम भला कैसे नागमणि की चोरी कर सकते हैं? हम सब चोरी क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर नागमणि को क्या गुफा खा गई? इस क्षण से कोई भी जानवर जंगल के बाहर नहीं जाएगा, और ना ही कोई जानवर अंदर आएगा। जंगल के द्वार बंद किए जाएंगे, और असली चोर मिलते ही उसे कड़ी सजा भी दी जाएगी। महाराज नागमणि नहीं मिली तो प्रलय आ जाएगा और हम सब उसमें मारे जाएंगे। सुना सांप ने क्या कहा, अब तो नागमणि को वापस कर दो, खुद के बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचो। शेर जानवरों को डरा धमका कर नागमणि के बारे में पूछता है, उन पर दबाव डालता है, पर कुछ हासिल नहीं होता। शेर नागमणि के लिए जंगल के द्वार बंद कर देता है। जानवरों का जंगल से आना जाना बंद हो जाता है। शेर हर जानवर की अच्छे से तलाशी करता है, पर शेर को किसी के पास कुछ नहीं मिलता। शेर सोच में डूब जाता है। नागमणि आखिर कहाँ गई होगी? मैं मेरे जानवरों पर ही शक कर रहा हूँ, क्या ये उचित है? पर नागमणि का मिलना भी तो बहुत जरूरी है, अगर नागमणि नहीं मिली तो। ये सोच सोच कर शेर भी चिंतित हो जाता है। इधर सारे जानवर भी नागमणि को लेकर परेशान थे, पर उसी जंगल में रहने वाली लोमड़ी थी कि वो मजे में थी। वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, बल्कि घमंड में आ गई थी। लोमड़ी का ये बर्ताव बंदर को उस पर शक करने पर मजबूर करता है। अरे यहाँ हम सब चिंतित है, पर लोमड़ी को किसी बात की कोई परवाह नहीं। लगता है इस लोमड़ी का कोई राज है, मैं अभी शेर महाराज को सारी बात बताता हूँ। बंदर शेर के पास जाकर लोमड़ी के बारे में सब बता देता है। शेर महाराज ये सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। हो ना हो, नागमणि लोमड़ी के ही पास है, लोमड़ी में मेरा भी डर नहीं रहा। हम सब के बीच रहकर हमसे ही दुश्मनी मोड़ रही है वो लोमड़ी, उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। लोमड़ी सारे जानवरों के बीच रहकर भी चुप रहती है। तब शेर महाराज लोमड़ी को कैद करते हैं, उसे पेड़ से उल्टा लटका कर नीचे से आग लगाते हैं। उस आग की वजह से लोमड़ी तड़पने लगती है। तब शेर कहता है, लोमड़ी अभी भी वक्त है, बता दे नागमणि कहाँ है, नहीं तो तू जलकर खाक हो जाएगी। महाराज बताती हूँ, पहले मुझे छोड़ दो। शेर लोमड़ी को छोड़ देता है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज मैं नागमणि के लालच में आ गई थी, मुझे लगा कि नागमणि मिल जाएगी तो मैं आपसे भी श्रेष्ठ बन जाऊंगी। इसलिए उस दिन जब सांप गुफा में नहीं था तो मैंने नागमणि चुरा ली और उसे मैंने एक बिल में छुपा दिया। मुझे लगा अगर नागमणि मेरे पास रही तो मुझे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं चुप रही और 7 दिन पूरे होने का इंतजार कर रही थी। लालची लोमड़ी, तुमने अपने स्वार्थ के लिए हम सबको मुश्किल में डालना चाहा, अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। लोमड़ी नागमणि को सांप को वापस कर देती है।
तो सजा के तौर पर शेर लोमड़ी पर सो फटके लगाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल देता है। सारे जानवरों को लालच का और चोरी का फल क्या मिलता है ये समझ में आता है। लोमड़ी को अच्छा सबक मिलता है। सांप भी नागमणि पाकर खुश हो जाता है और नागमणि को उसकी जगह पर रख देता है। अब जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नागमणि का लालच। बंगाराम नाम के घने जंगल में एक सांप और एक मुंगूस रहते थे। उन दोनों में हमेशा दुश्मनी की वजह से झगड़े होते रहते। एक दिन ऐसे ही सांप और मुंगूस का झगड़ा होता है। वो झगड़ा दोनों के इतने परे चले जाता है कि एक आदमी उनके पास आता है और सांप को मुंगूस से बचा लेता है। सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे झगड़े में क्यों वक्त बिताना। सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य ही मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वो आदमी उस सांप को उसके बिल के पास छोड़ देता है। सांप बिल में चला जाता है और आदमी भी अपने घर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो भारी संकट में आता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इस सोच में वो डूबा रहता है कि तभी उसे एक सांप दिखता है। उसे देखकर आदमी को मदद किए हुए सांप की बात याद आती है और वो उस सांप के पास जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जरा ऊपर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम, कहो क्या हुआ भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा खेती में बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को ढंग से खाना तक नहीं खिला सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सांप अपने बिल में चला जाता है। वो अपने बिल में उसका नागमणि छुपा कर रखता है। वो उसे निकालता है और ऊपर लेकर आता है। ये लो भाई, ये एक नागमणि है, इसे तुम हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो आदमी घर चला जाता है और उस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में हर वो चीज होती है जो किसी आम आदमी को चाहिए। लेकिन किसान पर किसी की नजर रहती है। उसकी इस तरक्की को एक दूसरा आदमी देखता रहता है। वो आदमी उसकी तरक्की का राज जानने के लिए जंगल जाता है। तभी उसे वो मुंगूस मिलता है। वो कहता है, सुनो भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे कुछ दिन पहले यहाँ से एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था और उसका शुक्रिया मानकर उस सांप ने उस आदमी को अपना नागमणि दिया था। मैं उस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत सही जगह पर आए हो, मुझे पता है कि वो सांप कहाँ रहता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ उस सांप के बदले। तो तुम उस सांप से नागमणि लेते ही उसे मार डालो, मुझे बस यही चाहिए। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। सांप को मारने का विश्वास मुंगूस को दिलाकर वो आदमी उस सांप के बिल के पास जाता है और सांप को आवाज देता है। लेकिन बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी वो सांप ऊपर नहीं आता, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है। ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को ही डस लेता है। वो आदमी वही तड़प तड़प के मर जाता है। बंदरिया का होटल। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक बंदरिया थी चिंकी, जो जंगल के जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। वो सारे जानवरों को होटल में आने का निमंत्रण देती है और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये सारे जानवर तो जैसे तैसे यहाँ आ जाएंगे, पर मुझे इनके साथ साथ जंगल के राजा शेर को भी यहाँ बुलाना होगा, तभी मेरा होटल बहुत ही अच्छे से चलेगा। यूँ सोचकर चिंकी राजा शेर के पास जाती है। प्रणाम महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे होटल पर जरूर आए। क्या तुमने जंगल में होटल खोला है? अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, तुम जाओ,
वक्त मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगा। अगले दिन चिंकी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर चिंकी के बनाए भोजन को मजे लेकर खाते हैं। तब लोमड़ी चिंकी से कहती है, तुम्हारे होटल में तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं कहीं और भोजन के लिए जाऊंगी ही नहीं, बस तुम्हारे होटल पर ही आऊंगी। लोमड़ी चिंकी को कुछ इनाम देती है और वहाँ से चली जाती है। खरगोश और भालू को भी भोजन बहुत ही पसंद आता है। भालू चिंकी से कहता है, सच है चिंकी, तुम्हारे हाथ का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना कहाँ से सीखा तुमने? ये कहकर भालू और खरगोश भी चिंकी को इनाम देते हैं। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, पर चिंकी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। वो राजा शेर का इंतजार कर रही थी। ये देख खरगोश चिंकी से कहता है, क्या बात है दोस्त, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो। किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? मैंने राजा शेर को बुलाया था। राजा शेर आते तो बात कुछ और ही होती। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बात है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ। मैं महाराज को बता दूंगा कि तुम उनका इंतजार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है कि रास्ते में खरगोश को शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज। महाराज, चिंकी आपका इंतजार कर रही है। उसने अपने होटल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। खरगोश वहाँ से चला जाता है। इधर शेर शिकार किया हुआ भोजन पेट भर के खा लेता है और थोड़ी देर आराम के बाद चिंकी के पास जाता है। शेर को होटल पर आया देख चिंकी खुशी से झूम उठती है और राजा का अच्छे से स्वागत करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन परोसती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था। वो खाए भी तो कैसे, वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाता। तभी वह खड़ा हाथी चिंकी से कहता है, चिंकी तुम्हारे हाथ से बना भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे लगता है तुम लोग तो पागल हो गए हो, जो इस बकवास भोजन को स्वादिष्ट का नाम दे रहे हो। मुझे तो ये भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। चिंकी उदास होती है। तब हाथी चिंकी से कहता है, दोस्त उदास मत हो, देखना एक ना एक दिन महाराज तुम्हारे भोजन की तारीफ करेंगे। ये कहकर हाथी भी वहाँ से चला जाता है। एक दिन शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिलता, वो बहुत भूखा था। वो चिंकी के होटल पर आता है। चिंकी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तब वो अलग अलग तरह के भोजन बनाकर शेर के सामने परोसती है। शेर बहुत भूखा था, वो तुरंत चिंकी का परोसा हुआ सारा भोजन खा लेता है और कहता है, अरे वाह चिंकी, क्या स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया खाकर। तभी पास में खड़ा हाथी शेर से कहता है, महाराज आपको तो चिंकी के हाथ का बना भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो आज भी वैसा ही भोजन बनाती है जैसा पहले बनाती थी। इसका मतलब ये है कि पहले आपका पेट भरा हुआ था, इसीलिए आपको चिंकी का भोजन पसंद नहीं आया। आज आप भूखे हो तो आपको चिंकी का भोजन पसंद आ गया। हाथी की ये बात सुनकर शेर चिंकी से कहता है, चिंकी मुझे माफ कर दो, मैंने इससे पहले तुम्हारे भोजन का अपमान किया। मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। ये लो मेरी तरफ से कुछ इनाम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम्हारे ही होटल पर भोजन खाने आऊंगा। शेर चिंकी को कुछ इनाम देकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी से अपना होटल चलाने लगती है।